नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिराज आसू बच्चन ब्लॉग में। आज हम आए हैं रिंकी भौजी के खेत में और ये रिंकी भौजी ने झुमकी भौजी हैं और बहुत सारी ये आवाजें निकालती हैं। आज इनसे हम बहुत सारी आवाजें सुनेंगे। तो भौजी कैसी हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले आवाज ही सुना दीजिए, नहीं लोग वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। राजा मुराद की आवाज सुना दीजिए, लोगों का दिल लग जाएगा। अच्छा, राजा मुराद लोग कहीं नहीं जाने का, लोगों को पता है वीडियो में मजा आने को। और आगे जितना बढ़ोगे ना फुल मजा आएगा, बच्चा में रहिए एक बार। नहीं तो लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम पर भरोसा है। आवाज बहुत मिठास है आजकल, सुनाओ। ओ कुछ नहीं कर सकता, कसाई कसी को तभी हलाल करता है जब उसके हाथ में छुरा होता है। इस बार छुरा मेरे हाथ में है, इसीलिए इस बार सौदा होगा। आओ आओ रुमा देवी। एक फिल्म है राजा मुराद की जिसमें कहते हैं यह सभी गड़बड़ी गड़बड़े, वो कौन सा डायलॉग है? वो तो उनकी आवाज में बहुत कुछ, बहुत सारे। भौजी मैं कैसे मान लूं कि आप आवाज की जादूगर हो? मैं तो सैफ अली खान की जब आवाज निकालूंगी तब मानूंगा। अच्छा, सैफ अली खान। अरे यार वाव, कमाल करते हो यार। उसी अंदाज में भौजी, बिल्कुल इंप्रेशन नहीं आ रहा। वाव, कमाल करते हो यार। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन यार इतने लोग हो कि वीडियो को शेयर नहीं करते। लेकिन यार मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर करो। ये देखो पीछे गन्ने की खेत है यार, बहुत मजा आ रहा है। क्यों आंसू भाई? मेरा नाम सैफ अली खान, करीना मेरी जान। वाव, मैं हूँ सैफ अली खान, करीना मेरी जान। भौजी का जवाब बहुत बढ़िया। आप इसमें कहीं खेसारी लाल यादव की आवाज निकाल दे भोजपुरी वाले तो मजा आ जाए। अच्छा, खेसारी लाल उनकी आती है तुम्हारे पे? आती है लगता नहीं। देखो अगर हमारा बारे में जान जीवे ना तो 4 इंच और 24 सेंटीमीटर फाट जाए। अरे बाप रे बाप, सीखा है वो तो देख देख कर। अमरीश पुरी। ओए लाले, अरे वाह, अरे तू पागल हो गया है। अरे कब से कह रहा हूँ कि गन्ने के खेत में आ, लेकिन तू तो मेरी एक नहीं सुन रहा है। वाह वाह, अगर कहीं गुस्सा हो जाओ नाना पाटकर। अच्छा, नाना पाटकर? हाँ, मतलब गुस्से वाला सीन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे आ गए गन्ने का तमाशा देखने। अरे तमाशा देखेंगे, छीलेंगे नहीं। अच्छा है भाई, भाई। अरे आओ और गन्ने छीलो, बहुत अच्छा है। भाभी एक आवाज और सुनाओगी? बोलो। आवाज मुझे सुना दो पंकज त्रिपाठी जी का। अच्छा, पंकज जी। ओह माय गॉड, उनकी आवाज गजब है। देखिए देखिए, ये जो सिराज भाई हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कसम बता रहे हैं इनका जवाब नहीं। भाई वाह, ये भी मिमिक्री करते हैं। मौर्य जी, जिस शहर में आप नौकर बन के आए हैं हम मालिक हैं सर। अच्छा, हमारे भाई कलाकार है, एटीट्यूड वाले एक्टर जो कभी भी किसी भी दुश्मन या जितने भी विलन उससे डरते नहीं। राजकुमार, राजकुमार के यहाँ बहुत फैन खड़े हुए सब। ये छोटू, ये भी राजकुमार का फैन है। राजकुमार की अच्छा, राजकुमार हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। ओ मेरी जान, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आज ऐसा कह दो लेकिन हमको पलकड़ी भी हमारी होगी, हसवा भी हमारा होगा। वीर सिंह नया चेंज होना चाहिए वीडियो और में। देख रहे हो वीर सिंह, ये सिर्फ गन्ने काटने में काम नहीं आता, इससे ये जो गर्दन होता है एक ही बार में कट जाता है। नहीं भौजी, आपने गला काट लिया ना तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। नहीं, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो डायलॉग ना बोलिए। अच्छा, जब आपके बच्चे मतलब बच्चे तो खैर होते हैं मन के सच्चे, बच्चों को खुश करने के लिए क्या आवाज सुनाती हो कार्टून का? उनकी कार्टून की आवाज सुनाती हूँ, मोटू पतलू। मोटू की आवाज होती है, जट बनेगा डर, जट बनेगा डर। सुनाने से पहले एक बार भौजी, बच्चे लोग हिंदुस्तान के देख रहे हैं, अगर जो दोस्तों आपको मोटू पतलू की आवाज भौजी के मुंह से अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दे। अब सुनो पूरे मजे के साथ, क्योंकि बच्चों की सबकी नजरें कट रही है। जट बनेगा डर, वीडियो को लाइक करेगा कर, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, नंबर वन नंबर टू, इधर और गन्ने छिलो, वो भूस वो खेत का भीतर के। अरे मोटू जब देखो खाने की बात करती हो, अरे मोटू देखो हमारे पास आंसू जी है, ये भी गजब की आवाज निकालते हैं।
हो पतलू, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ओ बेटो, ओए मेरे यार, ओए मेरे भाई, ओए यार घबराने की बात नहीं यार, यार मैंने कैसा हंसो बनाया यार, जिसका रिमोट मेरे पास है यार, दबाने से ऑटोमेटिक गन्ना कटने लगेगी यार। भाभी ने ये साबित कर दिया कि इनसे बढ़कर कोई नहीं है। धूप में बहुत परेशान हो आप, पसीना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी ऐसी आवाज सुन के लगता है कि तुम जुल्म की दुनिया के बेताज बादशाह नहीं हो, कलाकारी के दुनिया के बेताज बादशाह हो भाभी। अच्छा कॉमेडी वाली खतरनाक फिल्म हेरा फेरी के परेश रावल और सुनील शेट्टी। अच्छा परेश रावल देखिए वो तीनों गन्ने के खेत में। परेश रावल क्या कहेंगे, ये रदेव रदेव, ये रे बाबा, ये राजू, ये श्याम, ये दोनों हलकट किधर, ये श्याम किधर है रे बाबा। अजय बाबा क्या बात है, ये रे बाबा मैं अकेले गन्ना छिलाऊं, ये रे बाबा और राजू किधर, ए बाबा राजू काजू का, ऐसी कुछ आवाजें होती है। अच्छा हमारे हंसी के बेताज बस्ता जॉनी लीवर के जब आवाज कोई नहीं निकालता ना तो मन अधूरा रहता। अच्छा, हंसवा मुझे दे दो जॉनी लीवर। जॉनी लीवर बोलते हैं, अरे बाबा बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, एक नाम है राजू जो कहते काजू, एक नाम है बाजू जो बन गया साजू बाबा, लेकिन इन गन्ने के खेतों में अपने बच्चों को लाया बाबा, गन्ने छिलवा रहा हूँ बाबा। हमारे रवि किशन जी, देखिए नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। बाबू मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हम लोग वीडियो बनाते हैं ना बाबू, बहुत मेहनत लगता है, और मैं आप सबसे एक ही विनती करूंगा कि वीडियो को शेयर करो और बाबू दबा के शेयर करो, वायरल कर दो बाबू, कहें कि बाबू हमेशा कहते हैं कि जिंदगी झंड बाप फिर भी घमंड बाप। अरे बाप रे बाप, हर हर महादेव। हमारे नरेंद्र मोदी जी, अच्छा थोड़ा चलते चलते आ जाओ, यहाँ बहुत धूप भी लग रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी साहब। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अच्छा कि जिंदगी में कभी उतराव तो कभी चढ़ाव आती रहती है, लेकिन भाइयों बहनों इससे हमें हारना नहीं है, डट का सामना, डट का सामना करना है और आगे बढ़ना है। जय हिंद जय भारत। लालू बहुत अच्छे लगते हैं लालू जी। पगला लालू, हट हट, अरे देख रहे हो एक गन्ने के खेत में झुमकी भाजी कैसे ठुमकी लगा रहे हैं। पगला कहना झुमकी भाजी का ठुमकी बहुत अच्छा लगता है। वो कैसा सिराज साला हमको गोल गोल घुमा रहे हो, सुनाइए एक बार। कौन सा वो लालू जी का, ए लालू प्रसाद यादव को गोल गोल घुमाया है गन्ने खेत में, भौजी के चक्कर में हमारा कुर्ता फट गया है जो तार लगाया है। गजब गजब है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में। वीडियो तो भौजी बहुत अच्छा ही लगा है, लेकिन और कोई आवाज आपके अंदर बच गई, हम सोच रहे सारी चीज इसी वीडियो में ही डाल दें, सारा मड़वा सिमेंट याद कर दें। अभी तो बहुत ही गुलशन जी होते हैं, गुलशन बोल दे, बोल दे। तेरी बैडमैन, अरे बाप रे भाई लोग, आप लोगों तो हमारा डायलॉग बहुत सुने होंगे, लेकिन जो गन्ने की डायलॉग होती है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ गन्ना चूस के। और कौन सी आवाज बहुत है, अजीत सिंह पुराना विलन। हाँ अजीत, देखो वेरी स्मार्ट बॉय, मोदी बॉय, मोना डार्लिंग, वो शंकर का बच्चा हमसे 80% मांगता है। मैं तो उससे कहता हूँ कि तुम गन्ने ही छीलो, लेकिन वो हरामजादे का पिल्ला मानता ही नहीं है। काशीराम और डैनी जी। हाँ डैनी जी, काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बाउदी देखकर। भाई आप भाभी आप पसीने में आ गई हो, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। अच्छा सन्नी जी आते हैं। अच्छा भाभी छाव में आ जाओ, मेरी अच्छा। भी फटके फ्लावर होने लगी, वो तो गर्मी बहुत हो रही है। ये मजदूर का हाथ है काफिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल सकता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े पड़ने की जरूरत नहीं। वाओ आसू जी बोलते ना। अच्छा आप सन्नी देओल निकालोगे, ये काशीराम, चलो कीड़े मकोड़े की तरह। काशीनाथ, काशीनाथ, अच्छी काशीनाथ से। काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम। ये मजदूर का हाथ है कादिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल सकता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़े की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह बिजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है। कादिया तू चाहता है कि तेरे यहाँ मैं कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो काटू, तू कहे तो भोकू,
ऐसा ही समझो। तो क्या हमारी साथ काम करोगे तो इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग तुमसे डरेंगे। लोगों को डराकर वो जीता है कहते जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। कौशिनाथ मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे सर कातिया। इसी डायलॉग को शक्ति कपूर कहते हैं मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। क्यों सात भाइयों के बीच में बैठ कर तू शेर बना बैठा है? हिम्मत है तो एक दिन मुंजी के खेत में आ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। भाभी और कोई आवाज बची हो तो प्लीज सुनाओ ना। और भी बहुत सी आवाज है जैसे अजय देवगन हुए। हमें तो अपनों ने लूटा, कहरों में कहा दब था, गजब मेरी किश्ती भी डूबी वहाँ, जहाँ पानी ही कब था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आसू जी हैं और ये गजब की मिमिक्री करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखे पूरी तरह से भौजी आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलेगा और आपको निमग्घमपुर से टिकट भी मिलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा आप कर रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि लोग आपको सपोर्ट करें। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉग चैनल है, इसे भी सपोर्ट कर दो। दोस्तों सपोर्ट ये हमारे बीपी अलबेला जी हैं जो भौजी बहुत अच्छा बनते हैं। सपोर्ट तुम्हें करना होगा बे जरूर, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत प्यार करते हैं और इनका बेचारे ये बहुत अच्छे हैं, इनका घर परिवार बहुत अच्छा है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल का नाम है सिराज आंसू बच्चन, जिसपे ये ऐसे ऐसे नमूने आपको दिखते मिलते रहेंगे।